जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर। बच्चे आपका मान एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर बच्चे इसका 2 है, तो यहां पे बच्चे लॉन्ग पेपर में आएगा। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग पेपर में आता है, सवाल को अच्छी तरह देख लें। x = 3 इसके ऊपर जिसर के अलावा है बराबर 3x - 1 बच्चे ये मुकम्मल लेकिन रकम के ऊपर जिसर है, तो जिसर को हल करने का तरीका होता है उसका मुरब्बा लेना। बच्चे यहां पे हम लिखे कि तरफ का मुरब्बा लेने से पूरी रकम का बच्चे आप लेने होते हो, लेना है मुरब्बा 3x माइनस का आपके पास है बच्चे 1 इसका स्क्वायर है। ये वाला लेफ्ट साइड बच्चे आपका जो मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जो मुरब्बा कैंसिल हो गया। राइट साइड के लिए तो हम लोग देते हैं बच्चे पहले रकम का मुरब्बा यानी पहले का स्क्वायर होता है प्लस दूसरा रकम का स्क्वायर माइनस के 2 इनटू बच्चे पहली रकम और इनको आप कहते हैं दूसरी, तो x + 3 बच्चे जब इसका स्क्वायर स्क्वायर बोला जाएगा तो आपका नाउ उसका x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आपके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 6x। अब बच्चे आपने सारे रकम एक तरफ कर देंगे इसको मेंशन में आप लिख गए तो 9x का स्क्वायर आपके लिए दाएं तरफ है, इसलिए लेफ्ट साइड वाले रकम को आप सारे रकम को राइट साइड पे ले जाएं तो x का स्क्वायर माइनस के आपके पास 6x है जमा के x है, ये रकम उस तरफ जाएगी तो माइनस का x हो जाएगा और ये 3 उस तरफ जाकर आपके माइनस के हो जाएंगे, तो आपका 0 ही है। 9x का स्क्वायर माइनस के आपके पास बचे 6x है और माइनस का आपके पास 1x है तो माइनस के आपके हो जाएंगे 7x, ये जमा के 1 है ये माइनस के 3 है तो माइनस के आपके पास रह जाएंगे 2। और इसी को बच्चे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर माइनस के साथ माइनस के 2 बराबर आपका 0। बच्चों ये आपकी मैरिज अगर आ गई है तो अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे आप किस तरीके से आप लोग हल करते हैं, तजी के तरीके से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। बच्चों इसको हम दो तजी फार्मूला से हल कर लेते हैं, ए बराबर आपके आ गया 9 के, बी बराबर माइनस के 7 के और सी बराबर बच्चे आपके आ गए माइनस के 2 के। तो यहाँ पे बच्चे आप चाहे दो तजी फार्मूला लगा ले, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए आपका हो जाता है। अच्छा जी बच्चों आप दो तजी फार्मूला लेते हैं, x बराबर आपका होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर जज़्ब की अलामत है और सारे रकम के बटे में आपका है 2a। तो बच्चे b लिखा हुआ है, b की जगह पे आपके आ जाएगा माइनस के 7, ये भी माइनस है और ऊपर आपके पास है माइनस के 7 प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस के 4 इनटू a, ये आपका है 9 और इनटू बच्चे आपका आ जाएगा c जो कि आपके पास है माइनस के 2 और इस सारे रकम के ऊपर जिधर की लंबाई दी है बटे में आपके बच्चे 2a 2, a की जगह पे आपका आ जाएगा 9, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा प्लस और 7 का जब बच्चे स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 49। अब हम जो के मल्टीप्लाई कर दें 2 4 से आ जाएगा 8, तो 8 9 से बच्चे करेंगे तो हो जाएगा 72, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस की अलामत है, 2 के साथ भी आपकी माइनस की अलामत है और बटे में आपके आ गई 18 7 जमा माइनस बच्चे को जमा कर दें तो ये आपके पास आ जाते हैं जी 9 तो 11 7 11 और 12 तो ये बच्चों आपके पास आता है 121 बटा 18 121 बनता है आपका 11 का मुरब्बा। बच्चों ये आपका जज़र रुपा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगी 7 जमा माइनस 11 बटा 18 भी। तो जो आपके पास x की दो वैल्यू जाती है अब हमें दो को हल करेंगे, x बराबर आपका है 7 एक दफा जमा लिखेंगे 7 जमा 11 बटा 18 और दूसरी को हम अलग बच्चे करेंगे और दूसरी को आपके आ जाएगा 11 7 माइनस 11 बटा 18। तो बच्चों 7 और 11 आपके जमा हो जाएंगे तो ये आपके
और ये 18, ये 18 आपके कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर आपके आ जाएगा जी 1 के, ये आपकी बच्चे वैल्यू निकलती है। और दूसरी आप माइनस के 11 में से 7 को निकाल दें तो माइनस के आपके बच्चे आते हैं 4/18, 2 से कट सकते हैं 2/9। बच्चों आपके दो आंसर आ जाते हैं x बराबर 1 के और x बराबर -2 के। वैसे तो आंसर बच्चे आपके दो हैं लेकिन आपने बकायदा इसको चेक करना होता है, यदि आपके पास जो असल का सवाल है बच्चे उसमें आपने कीमतें दर्ज करनी है। अगर आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है तो आपका आंसर ठीक है, वरना चैप्टर दोनों के दोनों जवाब ठीक नहीं है। तो बच्चों देखते हैं कीमतें दर्ज करके, ये पे हम लाइन लगा लेते हैं। एक दफा हम x बराबर 1 की मदद से करेंगे तो x बराबर 1 रख लीजिए, रखने से इस तरह बच्चे हम लिखेंगे और इस तरह हम x की कीमत दूसरे रखेंगे, x बराबर -2/2 रखने, 2 रखने से बच्चों की कीमत दर्ज करके देखते हैं इसमें x की जगह हम 1 लिखेंगे मान। तो बच्चे इसको बोला जाता है पड़ताल इंग्लिश में आपके आगे का चेकिंग। तो बच्चे इसको चेक करना पड़ता है, जो आपने वैल्यू निकाल लिया x बराबर 1 है तो x यहां पे अंदर की जहां पे आपके इनको होता तो वो सब आपने देखते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है आपकी या नहीं आती। तो ये आपके पास जाएगा 4, बची आपके पास जाएगा 3, माइनस का आपके पास आता है 1 और ये इसका जैसा है 2 का वो बन जाएगा 3 में से आपके निकल बचे 2 होते हैं ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बराबर आपके आ गए 2 के। तो बच्चे देखिए लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट साइड के बराबर आ गई है तो आपका आंसर इसका मतलब ये ठीक है। अब x की जगह दूसरी वैल्यू हम रखते हैं -2/9 प्लस के बच्चे आपके पास 3 और दूसरी तरफ 3 है आपके x की जगह पे 2/9 और माइनस का आपके पास 1 बच्चे इसका हम ले लेंगे एलसीएम जो कि आपका 9 आ जाएगा 9 से कट जाएगा माइनस के 2 और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है जो 9 को 3 से मल्टीप्लाई आपका आता है 27। उसी तरह आपने इसके ऊपर जजर के लागत रखनी है ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 9 माइनस का 1 तो जी आपके पास 27 में से 2 निकल जाए तो आपके पास आता है 25/9 और अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आता है 9 रो से कट गए माइनस के 6 आ जाएंगे और ये डायरेक्ट आ जाएंगे माइनस के 9। ये माइनस के 6 और माइनस के 9 आपस में जमा होंगे तो माइनस के बनते हैं 15/9 और इस तरह 25 बन जाता है 5 का मुरब्बा और 9 बन जाते हैं 3 का मुरब्बा। तो इसको बच्चों आप अलग-अलग भी इस तरह करके लिख सकते हैं तो नाम लिख कर डैटी कर दे तो ये आपका 5/3 और राइट साइड पे आपके आता है -15/9 तो ये बच्चों लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई तो ये आपका प्लस हो जाएगा लिहाजा ये वाला आपका दोस्त जवाब नहीं है ये वाला यानी x बराबर असल में है कि x बराबर -2 इसको आप क्या कर देंगे रद्द कर देंगे दुरुस्त ना है दुरुस्त ना है लिहाजा बच्चे ये वाला आपका होगा फालतू असल। आप इसमें फालतू असल की भी पहचान करनी है x बराबर -2 ये आपका फालतू असल है और आपका हर साइड जो होगा वो सिर्फ आपका मानना आएगा जो आपने बच्चे की कीमत इसमें गणित की थी 2 कीमतें x बराबर 1 था और x बराबर -2/9 था जिसने साबित किया लेफ्ट साइड राइट साइड को जब ये कीमत पुट करने से लेफ्ट साइड वाला आंसर राइट साइड वाले आंसर के बराबर आ जाता तो बच्चे वो वाला आंसर आपका ठीक होता है। जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई ये -2/9 पुट किया था तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई लिहाजा ये -2/9 आपका फालतू असल होगा और आंसर आपका ये निकलेगा आपका लिहाजा बस बच्चे आपका हर साइड जो होगा वो मालूम होगा आपका होगा जी 1। बच्चों ये लॉन्ग है आपके पेपर में 4 नंबर का आता है 8 से 10 मिनट बच्चों आपके पास होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।